नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में, महानगर पालिका के हद में विरार में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। मैं अपनी कुछ बात कहूं इसके पहले, वसई विरार महानगर पालिका को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए कि वसई विरार महानगर पालिका ने 25 लाख की जनसंख्या की परवाह की, 25 लाख आंकड़ा शायद और ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम 25 लाख ही मानते हैं, 25 लाख की जनसंख्या की परवाह की और कंटेनर में अस्पताल चालू किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां महानगर पालिका को। हमारे इस प्रशासन को शर्म क्यों नहीं आती है? वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में इतनी बड़ी आबादी में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल शुरू करने की जगह कंटेनर में अस्पताल शुरू किए जाते हैं, हद हो गई है। और वो भी किसके नाम पर? बाला साहेब ठाकरे आरोग्य वर्धनी केंद्र के नाम पर। पहले देखिए इस कार्यक्रम से जुड़े हुए तस्वीरें और विजुअल जो हमने वहां पेश किया, और उसके बाद इस कार्यक्रम पर स्थानिक शिवसेना नेता ने भी सवाल उठाए इस आरोग्य वर्धनी केंद्र को लेकर। सुने क्या कुछ कहना है उनका, उसके बाद मैं थोड़े शब्दों में कुछ कहना जरूर चाहूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अंत तक देखिए तभी आपको मुद्दा समझ में आएगा। वसई विरार शहर महानगर पालिका यांच्या वतीने हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना आणि त्यासाठी माननीय जीवांसाठी उपलब्ध करून दिलेली आहे। आजपासून हा दवाखाना उपलब्ध होणार आहे आणि त्याचं उद्घाटन, या दवाखान्याचं उद्घाटन होत आहे। अतिशय दादांच्या हस्ते, दादांच्या शुभ अविस्मरणीय असा क्षण आहे की आपल्या सर्वांसाठी आजपासून हा दवाखाना इथे उपलब्ध होत आहे। आपल्या सगळ्यांच्या सेवेसाठी इथे डॉक्टर्स, इथे औषध परिचारिका सगळे आपसाठी उपलब्ध होणार आहेत। सन्माननीय शेती दादा ठाकूर, सन्माननीय आयुक्त अनिल कुमार पवार साहेब, सन्माननीय मनोहर पाटण्यामध्ये ओपनिंग झालेली आहे, कशी सुविधा असणार आहे आणि कशा पद्धतीने उपलब्ध? माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि दोघं आपले उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या विचारातून, संकल्पनेतून आणि प्रेरणेतून आज आपण मनवेलपाडा येथे हिंदू हृदय सम्राट आपला हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना याचं उद्घाटन माननीय आमदार शेतीदादा ठाकूर यांच्या हस्ते केलेलं आहे। या ठिकाणी नागरिकांना सर्व सुविधा, उपचार, तपासण्या, औषधं हे सर्व मोफत मिळणार आहे आणि त्याच पद्धतीने या परिसरातील जे नागरिक असतील त्यांनी या आरोग्य सेवाचा चांगल्या पद्धतीने लाभ घ्यावा असं देखील आवाहन या ठिकाणी आम्ही करतो आहे। आपण यापूर्वी आपल्या शहरामध्ये 12 आरोग्य वर्धनी केंद्र आपण कार्यान्वित केलेले आहेत आणि नव्याने आता आपण 65 आरोग्यवर्धनी केंद्र, त्याचप्रमाणे आपला दवाखाना एकत्रित आपण सुरू करतो आहे। या अनुषंगाने आपण जागांची पाहणी देखील केलेली आहे, 35 जागा आपण नक्की केल्या आहेत। त्या ठिकाणी आपण आपला दवाखाना त्याच पद्धतीने आरोग्यवर्धनी केंद्र देखील आपण स्थापित करणार आहोत, जेणेकरून जास्तीत जास्त नागरिकांना आपला दवाखाना या शासनाच्या संकल्पनेच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारच्या आणि मोफत आरोग्य सेवा प्राप्त होतील अशी धारणा आहे आणि नजीकच्या कालावधीमध्ये हे सर्व केंद्र सुरू होतील असे देखील अपेक्षा आहे। त्याच पद्धतीने आज आपण मजेठ्या येथे आयुष्यमान भारत आरोग्य मंदिर याचं देखील उद्घाटन केलेलं आहे। त्याचप्रमाणे कुंभारपाडा येथे देखील आपण आपला दवाखाना याचं उद्घाटन या ठिकाणी केलेलं आहे। अशा पद्धतीने आज दोन ठिकाणी आपण हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना याचं उद्घाटन यथोचित केलेलं असून
बजेट या परिसरामध्ये आपण आयुष्यमान भारत आरोग्य मंदिर याचं देखील उद्घाटन केलेलं आहे. या तीन उपक्रमाच्या माध्यमातून या परिसरातील नागरिकांना चांगल्या पद्धतीने आरोग्य सेवा, उपचार आणि औषधी मोफत मिळतील असं धारणा आहे आणि या सर्व सेवेंचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा अशी अपेक्षा आहे. जाधव जी, आप यहां नजदीक में है, आज आपके बेहद नजदीक में दवाखाना बालासाहेब ठाकरे के नाम से शुरू हुआ है, तो आप स्थानिक है और खुद आप एक शिवसेना पदाधिकारी है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? नमस्कार, जय महाराष्ट्र. मैं उदय अरुण जाधव, शिवसेना शरण वीरान, उद्धव बालासाहेब ठाकरे. आज यहाँ पर जो दवाखाना शुरू हुआ है, यहाँ पर बहुत जरूरत थी, वो होना बहुत जरूरी है, वो हुआ है. लेकिन वो हिसाब से, जिस हिसाब से दवाखाना होना चाहिए, जिस हिसाब से नाम है हिंदू सम्राट बालासाहेब ठाकरे, उस हिसाब से दवाखाना बनाया गया है. ठीक है, हमें कल ही पता चला, मुझे रात को 10 बजे इन्विटेशन मिला, दवाखाना बनने वाला था, मुझे पता था. और हम लोग ने उसके लिए बहुत बार ये भी किया था, मुझे पाठपुरा और महापालिका किया था कि उसके लिए दवाखाना यहाँ पर चालू हो जाए, बालासाहेब के नाम से एक बिल्डिंग बनाई जाए. लेकिन यहाँ पर बना एक छोटा दवाखाना, ठीक है, अभी जो शुरुआत हो गई है उसी का हम लोग स्वागत करते हैं. लेकिन वहाँ पर अच्छी तरह से सुविधाएं लोगों को मिले, डॉक्टर वहाँ पर उपलब्ध रहे, नर्स अच्छी तरह से उपलब्ध रहे, दवा अच्छी तरह से मिले, इसके लिए महानगर पालिका ने अच्छे से काम करना चाहिए और हम लोग खुद वहाँ पर ध्यान देकर वो काम करा के लेंगे. बालासाहेब ठाकरे का नाम अपने आप में काफी ऊंचा है, लेकिन महानगर पालिका ने इस तरह से कंटेनर में और इसमें दवाखाना शुरू किया, क्या कुछ समय रुककर महानगर पालिका चालू करती और अच्छे से बनाती तो कुछ अच्छा नहीं था? मेरा भी यही कहना है कि बड़ा कुछ हो जाए तो उसको बालासाहेब ठाकरे का काम होना चाहिए. ठीक है, अभी शुरुआत हो चुकी है, उसको बड़ा कैसा करना है और कैसा करा के लेना है महानगर पालिका से, हम शिवसेना यहाँ पर काम करेंगे. अच्छा, आरोग्य की जब बात करें तो वसई विरार की जनसंख्या 25 से 30 लाख है, खुद हमारे विधायक महोदय ऐसा कहते हैं. ठीक है, उसके बावजूद ऐसे छोटे दवाखाने जहाँ की मुश्किल से 100-150 लोगों की ओपीडी हो पाएगी, ये उसके कहाँ तक फिट बैठते हैं? नहीं, बहुत कम है. मैं तो कहता हूँ बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए, जो हम लोग बहुत साल से उसकी मांग नहीं कर रहे, उसके ऊपर पाठपुरा चालू है हम लोग का. हम लोग ने बड़ा मोर्चा भी उसके ऊपर निकला था. आपको मालूम है अच्छा बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला था, वो भी रुका गया है. भी हॉस्पिटल था, उसका भी रुका हुआ है काम, जो उद्धव साहब के टाइम पे उसका ओपनिंग भी हो चुका था, मुझे सब हो चुका था उसका, रेडी था. ये लोग कुछ उसके खाली नगर सेवक को खुश करने के लिए वहां पर रुकाया हुआ है. अभी मुझे पता नहीं वो राजनीति का कौन सा पंडा है उसमें, लेकिन ऐसा हर एक जगह पर, जैसा मैं मनोहरपड़ा में भी केंद्र में आप देख के आए कि वहां पर शुरू हो चुका है, उधर की लोकसंख्या कम से कम 50 से 60 हजार होगी, ऐसा मेरा अंदाज, ठीक है, मिनिमम. और लेकिन वहां पर एक छोटा आरोग्य दवा खाना बालासाहेब ठाकरे के नाम से चालू किया, वहां पर तो मैं बोलता बड़ी इमारत, मतलब इसको हम लोग बिल्डिंग बोलते हैं, वैसा कुछ तो हॉस्पिटल की इमारत बननी चाहिए थी और वो सुविधा लोगों को दे सकते हैं. तो ये छोटी सी सुविधा में कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हॉस्पिटल, जो आरोग्य केंद्र दवाखाना बनाया गया, वो जाएंगे नगीन अस्पताल, नगीन अस्पताल में तो कौन सा सुविधा है वहाँ पर, अभी तो कुछ भी नहीं ना, तो उधर वेंटिलेटर उधर है कुछ अवेलेबल होता है, लोगों को मुंबई में जाना पड़ता है. तो यहाँ पर कुछ अच्छी सुविधाएं लोगों को मिले, जिससे कि लोगों को जो तकलीफ हो रही है मुंबई में जाने की वो ना हो. गिरीश भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी एक पदाधिकारी हैं और आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं कि लगातार, जय महाराष्ट्र, गिरीश दीवान जी, लगातार शिवसेना की तरफ से पूरे शहर की जो आरोग्य के विषय में जो समस्या है उसके बारे में लगातार शिवसेना ने मोर्चा निकाला है. ऐसा नहीं है कि जो अचोले में 200 खाट जो बेड का हॉस्पिटल जो बनाने वाले थे उसके बारे में खुद हमारे संपर्क प्रमुख श्री आमदार सुनील शिंदे साहब ने विधायक परिषद में औचित्य का लक्ष्य विधि मुद्दा उपस्थित किया था. ऐसा होकर भी अभी तक वो रुकाया पाया पड़ा है. वो इसकी जिम्मेदारी यहाँ के जो सत्ताधारी है वो है, और ये सब छुपाने के लिए ऐसे छोटे मोटे दवाखाने बनाकर इतने बड़े आदमी का नाम देकर कुछ उनके स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे का नाम इतना ऊंचा है, उनके नाम से साझेदार ऐसा दवाखाना नहीं है यहाँ. पहले से यहाँ पर जो दूसरे दवाखाने हैं वहां पर मेडिकल स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स नहीं है, अभी कुछ डॉक्टर को परमानेंट किया गया है, वो भी बीएमएस है, तो इसके बारे में क्या कहना है? वसई विरार में अगर आप देखें जो डॉक्टर लॉबी में, खुलेआम से कहना चाहते हो, डॉक्टर लॉबी किसकी है? यहाँ के जो सिटी स्कैन सेंटर है वो किसके है? अगर सार्वजनिक हो जाएगा, पब्लिकली गवर्नमेंट का हो जाएगा, तो उनके पास जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे. इसके लिए वो करना नहीं चाहते हैं, उनकी इच्छा नहीं है. अगर इच्छा रहती तो खुद को लोक नेता कहने वाले कई साल पहले ही वो सुविधा ला सकते थे. यानी विवाह मलांज के यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये सब
पूरा गाजा वाजा करके उद्घाटन किया, क्या हुआ उसका? है अस्तित्व में, उसका कोई नाम ही नहीं निकल रहे। तो इस उद्घाटन के साथ दो और उद्घाटन हुए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में एक जो आरोग्य मंदिर मजेटिया नाट्य गृह करके लिखा है, उसके बारे में एक तो मैं पहले कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े कितने सालों के बाद उस नाट्य मंदिर यानी आरोग्य उस वास्तु का उद्घाटन हो रहा है। पहले यानी वो ओपन नाट्य गृह था, उसके बाद उसमें वही नाट्य गृह को बंदिस्त करके G+2 का बिल्डिंग बनाया गया। G+2 के बिल्डिंग में आज की तारीख में वो ग्राउंड में नाट्य गृह है। फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी फिलहाल चालू है, सेकंड फ्लोर पे उपायुक्त का कार्यालय। आरोग्य मंदिर कहाँ पे? ये एक्सप्लेन आयुक्त ने करना चाहिए, नहीं तो वहां के अधिकारियों ने करना चाहिए कि एग्जैक्टली आरोग्य मंदिर जिस वास्तु का आप उद्घाटन कर रहे, आज LED लगा के नहीं तो प्रेजेंटेशन करके दिखा सकते थे, मगर दिखाए नहीं। ये सब इलेक्शन के मामले में जुमला है, बाकी कुछ नहीं। अभी आपने सुना होगा गिरीश भाई ने बोला कि वहां पर जो नाट्यगृह की बात नहीं छेड़ी गई है गिरीश दीवान जी की तरफ से हमारे, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई कि अभी वहां पर आयुक्त साहब ने वहां पर बताया कि वहां पर ओपनिंग हो रही है वगैरह आरोग्य मंदिर नाट्यगृह, वहां पर तो पहले से एक ग्राउंड फ्लोर पे नाट्यगृह है, फर्स्ट फ्लोर पे मुझे लगता है क्या होता है लाइब्रेरी है, और सेकंड फ्लोर पे उपायुक्त कार्यालय है। तो उपायुक्त कार्यालय हटा के कर रहे क्या मुझे पता, लेकिन अगर वहां पर नाट्यगृह हटा के आरोग्य केंद्र या लाइब्रेरी हटा के आरोग्य केंद्र बनता रहेगा तो ये बहुत गलत है। कि आरोग्य अभी वहां पर आयुक्त साहब ने एक भाषण किया था, हमने सुना होगा शायद, कि उन्होंने बोला कि मालकी जगह जहाँ जहाँ पर है हम उसे बात करेंगे, हम उसे जगह लेंगे। क्यों महानगर पालिका इतने से आरक्षित भूखंड है, वो सब कब्जा हो रहा है, उसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं छेड़ रहा है, उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, वो जगह खाली क्यों नहीं कर रही लेके जा रही है, जो लिया जो बनाया उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, उस पर गुनाह क्यों दाखिल हो रहा है? लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हम लोग मार्केट अपना जो मार्केट वैल्यू से जो कुछ रहेगा वो इस समय मालकी जगह लेंगे, ये गलत है। इसका अगर आरोग्य केंद्र रहेगा और लाइब्रेरी रहेगी नाट्यगृह रहेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नाट्य जितना आरोग्य केंद्र जरूरी है ये वसे विरार के डेवलपमेंट के हिसाब से शहरीकरण जो अभी हो रहा है यहाँ पर नाट्यगृह भी बहुत जरूरी है, वो हिसाब से हमें लाइब्रेरी पढ़ाई करने की लाइब्रेरी बहुत जरूरी है। लेकिन आप ये बंद करके वो चालू करोगे तो ये गलत होगा। मैंने वहाँ पर देखा नहीं अभी तक, लेकिन जो बात वहाँ पर छेड़ी गई वो हिसाब से मैं सोच के बता रहा हूँ कि अगर वैसा रहेगा तो गलत हो जाएगा। सब करो लेकिन किसी कौन सा बंद करके मत करो, उसको बढ़ाओ, बंद करके नहीं करना हमें, हमें उसको बढ़ाना है। तो आपने देखा कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम उद्घाटन कार्यक्रम था, नालासोपारा विधायक के हाथों उद्घाटन हुआ, महानगर पालिका आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त बाकी कई प्रशासनिक लोग थे, कुछ राजनेताओं को भी उसमें बुलाया गया था, आपने वीडियो देखे। उद्घाटन के बाद इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना था आयुक्त ने, वो भी आपने सुना। अब रही बात इस मामले पर, जब हमने मुलाकात ली उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के शिवसेना पदाधिकारी से, उनका क्या कहना है वो भी आपने सुना। तो अब हम बात करते हैं कि जैसा मैंने शुरू में कहा था वीडियो के शुरू में, 25 लाख से अधिक की जनसंख्या है और वसई विरार महानगर पालिका ऐसे आरोग्य वर्धनी केंद्र का उद्घाटन करके अपनी पीठ थपथपा रही है, क्या ये शर्म की बात नहीं है? आचोले में 200 बेड के हॉस्पिटल बनाए जाने का कई साल पहले ऐलान किया गया था, कहां है वो अस्पताल? वसई के पश्चिम में वसई विरार का सबसे बड़ा अस्पताल माने जाने वाला DM पेट्रिड, उस अस्पताल की जो इमारत का काम चालू था कहां है वो? उसका उद्घाटन कब होगा? ये एक सवाल बड़ा है। और आरोग्य वर्धनी केंद्र भी ये जल्दबाजी में शुरुआत की है, कोई बात नहीं, राज्य शासन को राज्य में इस समय सत्ता में जो पार्टी है उसको वोट लेना है, वोट बंटवाना है, और वो आदेश पर आदेश कर रही है, उसके आदेश का पालन करके महानगर पालिका ने यह भी बनाया जिसमें भी बाला साहब ठाकरे का नाम दिया, तो कंटेनर में बनाया, महानगर पालिका में सैकड़ों भूखंड आरक्षित भूखंड पड़े हुए हैं, जहां पर क्यों नहीं बनाया गया? हो सकता है कि यह टेम्पररी बेसिस पर कंटेनर में बनाया गया हो, बाद में अच्छे से बनाने का प्रावधान भी हो, लेकिन तब भी
इतनी जल्दबाजी क्या थी? इस तरह से कंटेनर में प्रॉपर डॉक्टर को बैठने की जगह नहीं, वहां कहां पेशेंट बैठेंगे? और आप देख सकते हो जैसा विजुअल में हमने वहां का विजुअल लिया, तो आसपास खुला मैदान है। खुला मैदान होने की वजह से जाहिर सी बात है कि वहां मच्छरों का काफी प्रकोप रहेगा। इस समय क्षेत्र में, शहर में काफी मच्छर है और ये मच्छर वहां पर भी बड़ी संख्या में रहेंगे, तो वहां आने वाले इलाज कराने के लिए आने वाले लोग क्या इलाज करके जाएंगे या बीमारी लेके जाएंगे, यह भी एक सवाल है। कहीं ना कहीं महानगर पालिका जो है सिर्फ और सिर्फ दिखावे पर अपना पूरा समय बर्बाद कर रही है। यहां इतना बड़ा आयोजन किया गया, इतना बड़ा उद्घाटन कार्यक्रम किया गया, जिसको हम बोल सकते हैं कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। जिस समय पीआरओ ग्रुप में इसका मैसेज आया तो हमको लगा कि कोई बहुत बड़ा अच्छा आयोजन है, जाना चाहिए, लेकिन वहां जाकर जो नजारा देखा, क्या हम आपको दिखाएं? ये शर्मनाक तस्वीर, मैं इसे शर्मनाक कहूंगा, क्योंकि क्या ये काफी है? साथ ही साथ इस वीडियो में आपने सुना है शिवसेना नेता ने एक सवाल उठाया है मजीठिया क्षेत्र का, जो मजीठिया नाट्यगृह के वहां भी एक आरोग्य केंद्र बनाया गया है, तो उसको लेकर इन्होंने सवाल उठाया, इन्होंने ये पूछा, तो वहां इनका सवाल अपनी जगह बिल्कुल सही था शिवसेना नेता का, क्योंकि जब कोई कार्यक्रम होता है, आज का टेक्नोलॉजी का जमाना है, महानगर पालिका को एक कम से कम वहां उसका चित्रण दर्शाना चाहिए था कि यह मजीठिया में इस तरह का आरोग्य केंद्र बनाया गया है। महानगर पालिका ने वो नहीं किया, सिर्फ वहां से जाहिर कर दिया कि उसका भी उद्घाटन है। वहां बाद में मैं गया और मैंने वहां का शूट आउट किया, तो वहां भी सिर्फ दो कमरों में वो आरोग्य केंद्र शुरू किया गया है। हालांकि शिवसेना नेता ने यह बयान दिया था कि मजीठिया जो नाट्यगृह है उसमें नहीं होना चाहिए, तो बराबर है कि नाट्यगृह में नहीं है, और उन्होंने भी खुद ये कहा कि हमने देखा नहीं है, लेकिन उनका यह कहना था कि नाट्यगृह, तो नाट्यगृह अपनी जगह पर है, वो कई सालों से ऐसा का ऐसा पड़ा है, उसका उद्घाटन नहीं हुआ, आज दिन तक नाट्यगृह पब्लिक के लिए खोला नहीं गया है। वहां ऊपर पहले माले पर लाइब्रेरी है और दूसरे माले पर उपायुक्त बैठने का, उपायुक्त जोन के उपायुक्त का बैठने का कार्यालय है। यह जो बनाया गया है उसमें आरोग्य केंद्र, ये पीछे की तरफ के दो कमरे हैं छोटे छोटे, उसमें बनाया गया है। कहां पेशेंट खड़े रहेंगे, कहां किस तरह से होगा, ये कुछ नहीं बोल सकते। तो आज का ये वीडियो इसीलिए है, महानगर पालिका क्या कुछ हमको दे रही है वो दिखाना एक पत्रकार होने के नाते मेरा कर्तव्य है, और मैं आप जनता को दिखा रहा हूं। अब आप तय कीजिए कि हमारी महानगर पालिका जो इतना टैक्स का पैसा वसूल करती है, वो सुविधाएं देने में कहां है। तो आज के लिए वीडियो भी यहीं पे खत्म करता हूं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन कीजिए। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।